व्हाट्सअप एवरीबॉडी, मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सी वो जॉब्स है जो 2022 तक खत्म हो जाएंगी या बहुत कम हो जाएंगी। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स है जिनकी फ्यूचर में डिमांड होगी। तो ऐसे में अगर आप फ्यूचर में कोई कोर्स करना चाहते हैं नया या फिर कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो आप इन जॉब रोल्स के बारे में जान लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको पछताना ना पड़े, राइट। तो ज़्यादा जानना चाहते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसे वीडियोस फ्यूचर में हम जब भी लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों उन जॉब्स की बात करने वाले हैं जो फ्यूचर में खत्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी बहुत, राइट। तो ऐसे में सबसे पहले नंबर पे आ जाती है डेटा एंट्री क्लर्क्स, या फिर आप डेटा एंट्री जॉब्स कह सकते हैं इसको। तो ऐसे में ये जॉब्स जो है फ्यूचर में बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि डेटा एंट्री जो है आज की डेट में कंप्यूटर खुद ही मैनेज कर लेते हैं, यू नो ऑटोमेटेड सिस्टम आ गए हैं यहाँ पे, इसलिए इस जॉब्स को डाला गया है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आ जाता है अकाउंटिंग बुक कीपिंग एंड पेरोल क्लर्क्स। आप देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण ये भी जॉब खतरे में हो सकती है। तीसरे नंबर पे है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज, इस जॉब के लिए भी खतरे हो सकते हैं फ्यूचर में। चौथे नंबर पे आ जाते हैं असेंबली एंड फैक्ट्री वर्कर्स। अब यहाँ पे जब हम वर्कर्स की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे तरह की जॉब्स होती है, बट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उन जॉब्स के बारे में, निचले स्तर की जॉब्स के बारे में जो कि खतरे में है। इसके अलावा पांचवे नंबर पे आ जाती है क्लाइंट इन्फॉर्मेशन एंड कस्टमर सर्विस वर्कर्स। यहाँ पे आप BPO सेक्टर में जितने भी लोग काम करते हैं वो लोग आते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं जो अपने आप ही जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे, तो ये भी जॉब खतरे में हो सकती है। इसके अलावा छठे नंबर पे आ जाते हैं बिजनेस सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर्स, ये भी जॉब खतरे में है। आठवें नंबर पे है मटेरियल रिकॉर्डिंग एंड स्टॉक कीपिंग क्लर्क्स, क्लर्क्स की जॉब भी खतरे में है। जनरल एंड ऑपरेशनल मैनेजर्स, इनको भी इस कैटेगरी में रखा गया है। और दसवें नंबर पे है जो कि लास्ट है, वो है पोस्टल सर्विस क्लर्क्स, ये भी जॉब जो है खतरे में हो सकती है। तो कहने का मतलब है ऐसी 7.5 करोड़ जॉब्स जो है 2022 तक खत्म हो जाएगी या फिर बहुत कम हो जाएंगी, राइट। हम बात करें पूरी दुनिया की, बट दोस्तों यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी वैसे नई जॉब्स भी क्रिएट होगी आप लोगों के लिए, तो उन सारी चीज़ों के बारे में सुन लीजिए। मैं आपको बता दूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 13.3 करोड़ जॉब्स जो है क्रिएट होगी 2022 तक। पहले जान लेते हैं कौन सी वो जॉब्स है जिनकी फ्यूचर में बहुत डिमांड रहने वाली है, राइट। तो पहले नंबर पे है डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट, डेटा को एनालाइज करना, इसकी जॉब जो है अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है और लोग कर रहे हैं इनसे रिलेटेड कोर्सेज वगैरह, क्योंकि ये फ्यूचर में इसकी डिमांड होने वाली है। दूसरे नंबर पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, इसकी भी डिमांड बहुत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमने अपने चैनल पे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तीसरे नंबर पे है सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपर्स एंड एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपर्स की डिमांड भी बढ़ने वाली है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपने फ्यूचर में आप BCA वगैरह कर सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं, सेल्स में डिजिटल सेल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में जो है इन सारी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा रहने वाली है। इसके अलावा पांचवें नंबर पे आ जाता है बिग डेटा स्पेशलिस्ट। बिग डेटा क्या होता है इससे रिलेटेड भी अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। छठे नंबर पे हमारे पास आ जाता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट की जो डिमांड है वो भी बढ़ने वाली है। सातवें नंबर पे आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, इसकी भी डिमांड बढ़ेगी। और आखिरी में आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, यहाँ पे अगर आपने IT पढ़ा है तो आपके लिए काम का हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर में जो डिमांड है वो बढ़ेगी, राइट। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, करीबन जो है 7.5 करोड़ जॉब्स जो है खत्म हो जाएंगी पूरी दुनिया में, और करीबन जो है 13.5 करोड़ जॉब्स जो है नई क्रिएट होंगी। तो ऐसे में अगर आप फ्यूचर में कोई भी कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आज की डेट में जैसे जैसे ऑटोमेशन आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, वैसे वैसे बहुत सारी जॉब्स कम हो रही है। तो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि आपको जो है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है, या फिर अगर आप नया फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आपको इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है अपने कोर्स का सिलेक्शन करना है ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि 2022 आते आते तक इंडिया में जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी जितनी भी जॉब्स मैंने आपको बताई, बट क्योंकि पूरी दुनिया में इस चीज का असर पड़ेगा तो इंडिया पर भी असर आएगा, और धीरे धीरे 2022 में नहीं तो 2030 में आने वाले समय में ये सारी जॉब जो है इंडिया में भी लगभग खत्म सी ही हो जाएंगी, राइट। क्योंकि जब दुनिया में असर पड़ता है तो उसका असर जो है भारत पे भी आता है,
राइट। तो इन सारी चीजों का ध्यान में रखें दोस्तों कोर्स सिलेक्शन से पहले। तो इस वीडियो को यही खत्म करेंगे दोस्तों। आई होप जो हमारी कोशिश रहती है आपको कुछ नया बताने की समझाने की वो पूरी हुई होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, एजुकेशन, ओपिनियन, इंटरेस्टिंग फैक्ट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उन वीडियोस को भी आप जाके चैनल पर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हेल्थ रिलेटेड अपडेट जानना चाहते हैं, हेल्थ से रिलेटेड चीजें सीखना चाहते हैं, तो हमारा एक नया चैनल ओपन हुआ है हेल्थ पॉडकास्ट हिंदी, उसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।